हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मींस होता है संरक्षण, मींस प्लांट्स और एनिमल्स का संरक्षण, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। दे वर ईगर टू share their experiment with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kanjiranga National Park, Lokchow Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. तो हमने क्लास सेवेंथ में देखा कि पहेली और बूझो जो थे वो अपने प्रोफेसर्स के साथ, प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ फॉरेस्ट विजिट करने गए थे, मतलब जंगल घूमने गए थे, है ना। वो बहुत उत्साहित थे कि अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और दूसरे बच्चे जो कि और दूसरी जगह गए थे, है ना, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे। कुछ दूसरे बच्चे जो थे वो भरतपुर सेंचुरी गए थे, कुछ जो थे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में उन लोगों ने सुना था, है ना, लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना था, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के बारे में सुना था। तो वो सारे लोग अपना एक्सपीरियंस आपस में शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित थे। सो हियर यू सी, अगर तो ये बोलती है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब क्या उद्देश्य होता है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो ये है कि ताकि हम जंगलों को और जानवरों को, जो एनिमल्स हैं, उनको हम बचा सके। धीरे धीरे उनकी जो प्रजाति है वो खत्म होती जा रही है, है ना, तो उनको बचाने के लिए, ठीक है। नाउ हियर यू सी डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉसेस। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वनों का विनाश या वर्गोन्मूलन, ठीक है, वनों का विनाश और उसके क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशनड बिलो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे जो अर्थ में है, है ना, बहुत सारी वैरायटीज के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, और जो कि इंसानों के, मैनकाइंड के सर्वाइवल, जीने के लिए बहुत जरूरी है, है ना। बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक, एनिमल्स हैं, वो बहुत जरूरी हैं, ठीक है, और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, जो जीव हैं, वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ी एक समस्या है और खतरा भी है। डिफॉरेस्टेशन जो है क्या है, खतरा है किनके लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, है ना, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, खासकर उनके लिए, ठीक। तो हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मींस क्या होता है, फॉरेस्ट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट मींस जंगलों का खत्म हो जाना, या तो फिर जंगलों की जो जमीन होती है ना, उनका यूज किसी दूसरे पर्पस के लिए करना, वहां के जंगल काट देना और वहां पर खेती करना, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। ट्रीज जो हैं फॉरेस्ट के, वो कट कर दिए जाते हैं और भी दूसरे पर्पस के लिए। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है पर्पस, वहां पर बताया जा रहा है कि ट्रीज किस लिए फॉरेस्ट के कट कर दिए जाते हैं। सी, प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन मीन्स, कल्टिवेशन मीन्स खेती करने के लिए, है ना, क्या करना, जमीन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, खेती करना करने के लिए जमीन प्राप्त करते हैं जंगल से ही ये लोग, है ना। बिल्डिंग हाउसेस बनवाते हैं, फैक्ट्रीज बनवाते हैं जंगलों को कटवाकर, ठीक है, फर्नीचर बनते हैं जंगलों की जो पेड़ होते हैं, है ना, फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनकी वुड से ही क्या बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, या तो फिर उनका फ्यूल के रूप में यूज कर लिया जाता है, ओके। सम नेचुरल कॉसेस, अब कुछ नेचुरल कॉसेस भी हैं, है ना, प्राकृतिक कारण भी हैं डिफॉरेस्टेशन के, जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है कई बार, है ना, और अकाल पड़ जाता है, सूखा, मतलब कभी बारिश नहीं हो रही है तो जंगल वैसे ही सूख जाते हैं, ठीक है।
नाउ यहाँ एक्टिविटी 7.1 दी हुई है कि और दूसरे कारण आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 7.2, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होते हैं परिणाम या रिजल्ट, है ना। डिफॉरेस्टेशन अगर होता है, जंगल अगर कट जाते हैं तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, ठीक है। सो पहेली एंड बूझो, रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पहेली और बूझो जो है ना, वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं। उनको याद आया कि डिफॉरेस्टेशन जो है ना, उनको याद है कि डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है एटमोसफियर में, और पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है, उससे पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता है अर्थ में, है ना। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में ज्यादा होगी, और उसके ज्यादा होने से क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वाटर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी नीचे चला जाता है ना। वो जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो उनने यह भी बताया, ठीक है, कि अगर कंटिन्यूअस ट्री काटे गए, लगातार पेड़ों की कटाई ऐसे ही चलती रही, तो रेनफॉल भी नहीं हो सकता, ठीक है, रेनफॉल भी बहुत कम होगा, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, मींस मिट्टी का जो उपजाऊपन है, वो भी कम होता जाएगा धीरे धीरे। और उसके बाद क्या होगा, नेचुरल कैलामिटीज जो है ना, प्राकृतिक आपदाएं जो है, जैसे फ्लड्स मीन्स बाढ़, ड्रॉट मीन्स सूखा, अकाल, ये सारे जो है इनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। और फिर जो अर्थ है वो अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।